इसके बाद में एक उन्नीस अक्षरों का है तो उसको देखिए उन्नीस अक्षरों का जो छंद है वो है हमारे पास में शार्दुल विक्रीड़तम शार्दुल विक्रीडितम शार्दुल विक्रीड़तम जो छंद है यह छंद है उन्नीस अक्षरों का कितने अक्षरों का है उन्नीस अक्षरों का है इसका जो हमारे पास में लक्षण है वो लक्षण है हमारे पास में इसका लक्षण है सूर्या स्वेर यदि मै सज तय तय गा विक्रेडी तम शार्दुल विक्रीडितम सूर्यादि में सजौ सत्या शार्दूल विक्रीडितम कितने अक्षरों का है उन्नीस अक्षरों का है उन्नीस अक्षर हमको गिनने सबसे पहले एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और उन्नीस मैं आधा है इसलिए उसका प्रभाव तय पर पड़ेगा तो देखिए 19 अक्षर है और 19 अक्षर है तो अब हमको देखना है कि इसमें कि इसमें इसमें पहचान पहचान मिलानी है है छंद की इसमें मिल रही है या नहीं मिल रही है तो पहचान इसमें है हमारे पास में मैं सजो सत इसी लक्षण के अंदर इस पूरे छंद की पहचान दे रखी है मैं सजो सत्या पहले चिन्ह लगा लीजिए उसके बाद में गढ़ मिलाएंगे तो देखिए चिन्ह क्या है हमारे पास में गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु फिर गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु ये हमारे पास में चिन्ह है उन्नीस चिन्ह लग गए हैं इसके बाद में अब हमको गण मिलाने पहला गण क्या है मगन इसका मतलब मा तारा मा तारा में तीनों ही क्या है गुरु इसके बाद में सगन स लेगा लेगा तो स लेगा इसके बाद में जगण जय भा न जय भा न सगण स लगा तो तगण तारा जाराज ता फिर तारा जारा ता और फिर क्या रहा है गुरु तो यहाँ पर ये यह गुरु यानि कि हमको पहचान इसमें वैसे वैसे मिल गई है इसमें हमको गण भी इसमें मिल गए हैं ये हमारा क्या है शार्दोल विक्रतम छंद है अब इसमें थोड़ा सा दे रखा है वो देखिए यति कहां पर है दो शब्द इसमें दे रखे हैं एक तो सूर्य और एक क्या देखो यहां पर सूर्य है और एक क्या है यहां पर अश्व तो यहां पर अश्व सूर्य और अश्व सूर्य कितने होते है? हैं सूर्य माने गए हैं बारह और अश्व कितने होते हैं सात बारह और सात कितने हो गए हैं उन्नीस बारह और सात कितने हो गए हैं उन्नीस यानी बारह अक्षरों पर और सात अक्षरों पर इसमें क्या होती है यति होती है बारह अक्षर गिनिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक यति तो यहां पर होगी यहां रुकना पड़ेगा बोलते समय और लास्ट में एक यति है तो देखिए इसको बोलिए सूर्यादिम सजो सतत शार्दूल क्रीड़ितम इसका मतलब है कहां पर रुका हूं मैं यहां पर सूर्या स्वेर यदि मजो सततगा इसका मतलब है एक तो हमारी कहां पर यति होगी बारह अक्षरों पर और एक यति कहां पर होगी सात अक्षरों पर यह हमको इसमें देखना है केवल एक ही छंद है उन्नीस अक्षरों का तो उन्नीस अक्षर गिनने के बाद में आप इसमें चिन्ह लगा करके देख सकते हैं तो यह हो जाएगा चिन्ह के लिए देख सकते हैं कि देखिए इसमें पहला अक्षर यदि गुरुवारा या फिर वैसे भी देख सकते हैं उन्नीस अक्षरों का छंद है तो केवल एक ही है कौन सा दम तो अपने आप अलग हो रहा सबसे तो यह हो गया इसके बाद में इसका उदाहरण देख लेते हैं उदाहरण है देखिए हमारी प्रार्थना है सुक्लाम ब्रह्म विचार परमा परमाध्याम जगत व्यापी नीम देखिए पहले तो इसमें देखिए कि इसमें उन्नीस अक्षर है या नहीं है देखिए गिनिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस उन्नीस अक्षर है इसका मतलब है कि शार्दुल विकृतम छंद हो सकता है इसमें चिन्ह लगा लीजिए लगाइए गुरु क्योंकि यहां पर छोटा है लघु आना चाहिए था लेकिन गुरु क्यों आ है है? है, तो गया, है? आ आ रहा है क्योंकि पर इसमें लघु आना चाहिए था लेकिन पीछे क्या रहा है संयुक्त अक्षर है इसलिए संयुक्त अक्षर होने के कारण से यहां पर भी गुरु और यहां पर लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु और गुरु ये हमारे इसमें चिन्ह लग गए अब देखिए इसमें मिलाइए मगन यानी मातारा तो मातारा बिल्कुल वैसे वैसे चिन्ह मिल गए इसमें फिर क्या सगन सलगा तो सलेगा देखिए मिल गए वैसे वैसे इसके बाद में जगन यानी जय भान है तो जय भान है ये मिल गए इसके बाद में तगण सगन हो गए सगन सगन रहेगा इसमें तो सैगा तो सैगा ये सलगा रहा इसके बाद में तगण तो ये रहा इसके बाद फिर ताराज है तो है और फिर क्या गुरु इसका मतलब है कि ये जो उदाहरण है ये किसका है हमारा शार्दुलतम छंद का है इसमें भी बारह अक्षरों पर यति है तो देखिए कहां पर आएगी मैं बोलता हूं ब्रह्म परमा आद्याम जगद व्यापी इसका मतलब है कि इस जगह पर क्या है यति है देखिए गिनिए बारह अक्षर है या नहीं है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह इसका मतलब बारह अक्षरों पर क्या है यति है इसके बाद में एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ एक दो तीन चार पांच छह सात हाँ ये तो हलंत है ये तो हलंत है तो सात अक्षरों पर यानी बारह और सात पर क्या है इसमें यति है तो इसका मतलब है कि यदि इस प्रकार की पहचान मिलती है यानी उन्नीस अक्षरों का यदि कोई छंद मिलता है या कोई उदाहरण मिलता है तो डायरेक्ट वो किसका होता है सात विकृतम छंद का होता है अब इसके बाद हम देखते हैं फिर आगे एक छंद और बचा है आपके उसको भी देख लेते हैं और उसका नाम है धरा कौन सा है धरा तो देखिए धरा छंद है और यह भी एकमात्र 21 अक्षरों का छंद है कितने अक्षर हैं इसमें 21 अक्षर है 21 अक्षर है इसका लक्षण देखिए क्या है इसका लक्षण हमारे पास में मनेर या नाम मृब्नेर या नाम त्रिएण त्रिमुने यति युता स्त्र कीर्ति तेयम यह हमारे पास में इसका क्या है लक्षण है या नाम कीर्ति तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें 21 अक्षर या नहीं है तो 21 अक्षर गिनने पहले गिनिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और इक्कीस इक्कीस अक्षर है इक्कीस अक्षर हमको मिल गया है अब इसके बाद में इसमें पहचान देखते हैं कि पहचान क्या है तो इसकी पहचान है मृबनेर या नाम क्या पहचान हमारे पास में मृनेर या नाम यह इस श्रा छंद की पहचान है तो देखिए इसमें क्या आ रहा है पहले तो मैं क्या आ रहा है मैं मैं का मतलब मगन फिर क्या है रे का मतलब क्या आ गया रगन फिर क्या आ रहा भय भय का मतलब क्या गया भगन फिर न न का मतलब है नगन इसके बाद में यह या, या नाम या नाम का मतलब है कि तीन यगन कितने यगन तीन यगन यह हमारी क्या है पहचान है यदि यह पहचान यदि इसमें मिल जाती है तो इसका मतलब है कि यह सदरा छंद है यदि पहचान नहीं मिलती है तो नहीं है तो देखिए मिलाइए चिन्ह लगाइए सबसे पहले क्या आएगा गुरु 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 इसके बाद में लघु गुरु लघु इसमें गुरु इसमें गुरु क्यों आया कारण क्या है कि न तो यानी अ है इसमें ऋषि स्वर है लेकिन देखिए त्र तय और से मिलकर के बना हुआ होता है तो यहां पर में तो ई मिलकर के पूरा हो गया लेकिन तय तय का प्रभाव किस पर पड़ेगा अ पर और यह क्या हो जाएगा गुरु इसलिए इसमें तो क्या आएगा लघु आएगा इसमें लघु 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 गुरु फिर गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु और गुरु ये हमारे इसमें चिन्ह लगे हैं तो मिलाइए पहचान मिलाइए मगन यानी मा तारा तो मा तारा फिर राज फिर भगन भागन इसके बाद में ये, ये माता फिर ये माता और फिर ये माता ये हमारे इसमें पहचान मिली है ये पहचान मिली है इसका मतलब है कि ये हमारा कौन सा सरदरा छंद है और ये लक्षण है ये भी क्या है बिल्कुल सही है अब देखो इसमें एक चीज आई है त्रिमुनि क्या है त्रिमुनि मुनि का मतलब होता है सात मुनि का मतलब क्या होता है सात और इसमें दे रखा है त्रिमुनि मुनि का मतलब सात होता है जबकि इसमें कितना दे रखा है त्रिमुनि अर्थात तीन मुनि सात गुणा तीन अर्थात तीन मुनि हो गए कितने मुनि हो गए तीन मुनि हो गए अर्थात सात 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 कहां पर सात सात और सात त्रिमुनि का मतलब है साथ 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 पर क्या होगी इसमें यति होगी अर्थात हमको रुकना पड़ेगा तो देखिए पहले मैं बोलता हूं और रुकता हूं उसके बाद में देखें गिनेंगे तो देखिए मृनेरिया नाम त्रय यति युता श्रक दरा तेयम मृनेरिया नाम त्रय युता श्रकदरा कीर्ति यम तो इसका मतलब एक तो मैं यहां पर रुका हूं एक यहां पर रुका हूं तो देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात एक दो तीन चार पांच सात एक दो तीन चार पांच छह और सात इसका मतलब है सात सात पर क्या होगी इसमें यति होगी यह हमारा कौन सा छंद हुआ श्रब्धराज छंद हुआ अब देखिए इसमें इसका उदाहरण भी देख लेते हैं कि उदाहरण किस प्रकार से इसमें पूछेगा तरीका वही है कि आपको 21 अक्षर गिनने हैं जैसे मैं लिखा यहां पर ध्यान नित्यम महेशम ध्या नित्य महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्राव यह हमारे पास में क्या इसका उदाहरण है तो देखिए पहले इसमें सबसे पहले अक्षर गिनने हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और इक्कीस इक्कीस अक्षर हो गए वैसे तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है उदाहरण एक भी याद ना करें आपको केवल अक्षर गिनने हैं इक्कीस अक्षरों का और कोई दूसरा छंद नहीं है केवल एक ही छंद है वो कौन सा दरा। लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये 21 अक्षरों का है और हमारा एक अक्षर एक छंद होता है 11 अक्षरों का और 11 और 11 कितने होते हैं 22 और 21 और 22 समथिंग पड़ गए तो आप सोच सकते हैं कि इसमें हो सकते हैं कि दो चरण आ जाए और हम कहीं ना कहीं चिन्ह लगाना भूल गए हैं या कोई अक्षर चूक गए हैं तो आप उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इन चिन्हों को भी इसमें लगा सकते हैं तो देखिए 21 अक्षर तो हो गई है अब देखो इसमें चिन्ह लगाइए गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु तो देखिए मिलाइए इसमें मैं यानी मगन तो मा तारा फिर रगन राज भा फिर भगण भाने से फिर नगण नगण य इसके बाद में फिर जगन ये माता ये माता और ये माता ये आपका ये पूरा हो चुका है यानी कि इस प्रकार से आपको देखना यदि पहचान आपको मिल चुकी है देख यहां पर हमको देखना धय नित्य महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रावतमसम यानी कि एक तो यहां पर यति है और एक यहां पर यति है धय नित्य महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रावतमसम इस प्रकार से हमको समास ये क्या नाम से छंद पढ़ने हैं और छंद का जो टॉपिक है हमारा पूरा यहीं पर संपूर्ण होता है जय हिंद जय भारत